हेलो फ्रेंड्स, यदि आप 8वीं पास हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। बड़ी खुशखबरी, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन डिपार्टमेंट की एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। और यदि आप 8वीं पास हैं तो यहाँ ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। निर्वाचन विभाग की ये एक सबसे बड़ी वैकेंसी है और 1 साल के बाद ये वैकेंसीज निकल रही है। अभी आपने देखा होगा कि हम काफ़ी समय से निर्वाचन विभाग पे कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको नहीं दिखा रहे हैं। केवल आज की इस वीडियो में आप सभी को चुनाव आयोग भर्ती प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं और इसका जो फॉर्म है वो शुरू हो गया है और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस बार रखी गई है 8वीं पास। यदि आप 8वीं पास हैं तो यानी ग्रुप डी यानी कि चपरासी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेसिस पे होगा, यानी कि जो 8वीं के प्राप्त अंक हैं और 10वीं के जो प्राप्त अंक हैं उन्हीं के आधार पे आपकी इसमें मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट के बाद आपको सिलेक्ट किया जाएगा। आपको फॉर्म में हम आपको दिखाएंगे कि कितना नंबर जो वेटेज है 8वीं और 10th के निकाले जाएंगे, वो डिटेल्स भी हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। और इसी के साथ इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर आपके कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स का भी सेक्शन है, उस कॉमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं और आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ यहाँ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8वीं पास है और उम्र सीमा 18 से लेकर 40 वर्ष के जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म अप्लाई करेंगे। और इसी के साथ मेल एंड फीमेल यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल संदीप ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन और प्राइवेट नोटिफिकेशन सबसे पहले दिखाई जाती है। पहले आप यहाँ देख सकते हो बेसिक जानकारी, तो यहाँ निर्वाचन विभाग भर्ती प्रक्रिया 2021, निर्वाचन विभाग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन के अनुसार 8वीं पास चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यदि आप भी 8वीं पास हैं और 10वीं पास हैं तो इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना होगा, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट जो है वॉच करना है ताकि आप इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सके। और इसी के साथ आपको जो पोस्ट मिल रही है वो ग्रुप डी की वैकेंसीज आपको मिल रही है, यानी कि चपरासी की वैकेंसीज आपको यहाँ मिल रही है। चपरासी की वैकेंसी है, नोटिफिकेशन में भी चपरासी आपको बताई गई है, यहाँ ग्रुप डी की वैकेंसी आपको मिल रही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8वीं पास है और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको वेतन मिलेगा 8,525 रुपये, इसमें आपको वेतन बताया गया है। यहाँ 31 दिन का हम आपको वेतन बता रहे हैं, यहाँ 30 दिन का वेतन आपको नहीं बताया जा रहा है, 31 डेज का यहाँ वेतन बताया जा रहा है। और यदि पर डे का औसत निकाले 275 रुपये पर डे आपको यहाँ मिलेंगे। इसके साथ फ्रेंड्स आपकी जो इसमें एज है वो क्या रखी गई है, तो 18 से लेकर 45 वर्ष के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर सबसे पहले ये बताया गया है, कुछ निर्देश जो है विभाग की ओर से आपको बताए गए हैं तो इस निर्देशों को आपको फॉलो करना होगा। तो यहाँ निर्वाचन विभाग की ये वैकेंसीज देख सकते हो, निर्वाचन विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ये वैकेंसीज आपको मिल रही है। तो सबसे पहले इसमें ये आपको बताया है कि आवेदक को आवेदन पत्र के ऊपरी भाग पर उस जिले या मुख्यालय का नाम लिखना होगा जहाँ से आप ये फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, यानी कि इसके अंतर्गत आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, जिले का नाम जो है आपको लिखना होगा क्योंकि प्रत्येक जिले की अलग अलग वैकेंसीज हैं। और इसी के साथ इसमें आपको बताया गया आवेदन पत्र सादे कागज पर आवश्यक योग्यता और अनुभव यदि है कोई, यानी कि इफ़ एनी इसमें आपको बताया गया, इफ़ एनी आदि के संबंध में इसमें आपको उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित करने की तारीख जो आपको बताई है 30/4/2021 तक ये आवेदन आपको जमा करवाना होगा, यानी कि इसमें जो आपको डेट बताई है कि 30 अप्रैल तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो निर्वाचन विभाग का। फ्रेंड्स, इसके साथ इस फिर आपको इसमें बताया है निर्वाचन विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जिला स्वर्ग और मुख्यालय स्वर्ग है और इसके साथ परिणामतः इच्छुक अभ्यर्थियों को इसमें किसी एक जिले या आपको एक मुख्यालय की रिक्ति के लिए ही आवेदन करना होगा, यानी कि जहां ये वैकेंसीज निकल रही है वहां केवल आप एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ फ्रेंड्स इसमें आपको फिर बताया गया है, अन्य जानकारी काफ़ी सारी आपको यहां बताई गई है। तो फ्रेंड्स इसमें आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो अभी हम आपको ये जानकारी दिखा रहे हैं तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये जानकारी पढ़ने के बाद ही आप ये फॉर्म अप्लाई करें। फ्रेंड्स सीधा हम आपको फॉर्म दिखा देते हैं कि फॉर्म कौन सा भरना होगा। तो
तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो इसमें आपको कैसे कैसे फॉर्म अप्लाई करना होगा, कितना वेतन मिलेगा, वो डिटेल्स जो है आपको यहाँ बताई गई है। और इसी के साथ यहाँ आपको ये फॉर्म बताया गया है, तो ये फॉर्म आपको भरना होगा। तो यह देख सकते हो फ्रेंड्स, इसमें आपको बताया आप जिस जिले से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो उस जिले का नाम यहाँ आपको बताया गया है, तो यहाँ आपको नाम लिख देना है फ्रेंड्स। इसके साथ आपका नाम होना चाहिए, पिता का नाम होना चाहिए, लिंग और जन्मतिथि, पत्र चार हेतु जो आप पता एड्रेस आपका आप अटैच कर रहे हो वो आपको एड्रेस यहाँ लिखना होगा फ्रेंड्स। इसके साथ 1-1 जनवरी 2021 को आप कितने वर्ष कितने माह कितने हो गए वो डिटेल्स आपको यहाँ देनी होगी। इसके साथ फ्रेंड्स आपकी शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ अटैच करनी है, यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता संबंधी डिटेल्स जो है विभाग को देनी होगी। तो यहाँ आप 8वीं पास हैं तो यहाँ परीक्षा का नाम लिखना है, बोर्ड का नाम है, कुल अंक प्राप्त अंक और प्रतिशत आपको यहाँ लिख देने हैं। जैसे कि अभी हम 8वीं पास ही फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो परीक्षा का नाम है 8वीं पास, इसके साथ जिस बोर्ड से हमने उत्तीर्ण किया उस बोर्ड का नाम अभी हम लिखते हैं UKS। और अभी हमने बोर्ड का यहाँ कुल प्राप्त अंक जो हमने प्राप्त किए हैं तो यहाँ कितने नंबर का आपका एग्जाम था उसी के आधार पे यहाँ आप देख सकते हो 500 नंबर का एग्जाम था। तो अभी हमने प्राप्त अंक कितने किए हैं, तो हमने यहाँ 300 नंबर प्राप्त किए हैं या 250 नंबर प्राप्त किए हैं, वो डिटेल्स आपको यहाँ देनी होगी। और इसके साथ आप कितने प्रतिशत, तो यहाँ 250 का हो जाता है 50%, तो हम यहाँ 50% लिख सकते हैं। और इसके साथ रोजगार कार्यालय पंजीकरण संख्या जो है आपको यहाँ देनी होगी। और इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको बताया अनुभव यदि है तो आप अटैच कर सकते हो। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये इसमें आपको वेटेज संबंधी डिटेल्स बताई गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए देख सकते हो चपरासी वर्ग यानी कि ग्रुप D की 100 अंकों के यहाँ मूल्यांकन का आपको मापदंड जो है बताया गया है, ये प्रपत्र भी आपको जो है साथ अटैच करना है। क्वालिफाई परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशत के आधार पे जो है गणना की जाएगी, 85 नंबर निकाले जाएंगे यानी कि वेटेज आपका 85 होगा। यदि आपने मैट्रिक्स में यानी कि मैट्रिक में यदि आपने 10वीं में यदि आपने 50% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को 42.5 अंक मिलेंगे, यानी कि आपने यदि 10th में 50% अंक प्राप्त किए हैं तो आपको यहाँ का इसका 85 जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 42.5 नंबर आपको मिलेंगे फ्रेंड्स। इसके साथ आपको बताया यदि आप अधिसूचित पिछड़ा क्षेत्र या पंचायत से संबंधित हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और इसके साथ फ्रेंड्स भूमिहीन परिवार के पास यदि 1 हेक्टेयर से कम जमीन जोखिम संबंधित राजस्व प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित होना चाहिए तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। और इसके साथ फ्रेंड्स ये देख सकते हो काफ़ी सारी जानकारी जो है आपको बताई गई है। तो फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको अच्छे से पढ़ना होता है, पढ़ने के बाद ही आप ये फॉर्म अप्लाई करें फ्रेंड्स। ये आपकी इसमें जॉब लोकेशन, सबसे पहले हम आपको जॉब लोकेशन दिखा देते हैं। तो जॉब लोकेशन ऑफिशियल वेबसाइट अभी हम आपको दिखा देते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है और 23 मार्च को ये नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ था 2021 से। आप देख सकते हो डेट वगैरह और कौन कौन सी जिलों से ये वैकेंसीज आपको मिल रही है वो डिटेल्स भी आप यहाँ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट जॉब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।